नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी सर्व पितृ अमावस्या के विषय में, जिसे कि पितृ विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है और इसे आश्विन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह पितृ पक्ष का आखिरी दिन है और यह एक ऐसा अंतिम मौका है, अंतिम दिन है जब हम अपने पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद ले सकते हैं, अपनी त्रुटियों के लिए उनसे क्षमा मांग सकते हैं और हमारे पितृलोक इस दिन धरती लोक को छोड़कर पितृलोक में जाते हैं। संध्या के समय वो पितृलोक में गमन करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर हम ऐसा कुछ करें कि हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देकर जाएं, यहाँ से वो संतुष्ट होकर जाएं, प्रसन्न होकर जाएं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या खास हमें करना है और अपने पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करना है इन 16 दिनों में, अर्थात पितृपक्ष के संपूर्ण दिनों में। हमसे जो भी कमी रह गई हो, जो भी हमसे गलतियां हो गई हो, जो कुछ हम नहीं कर पाए हैं, वो सब कुछ हम सर्वपितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कब है सर्वपितृ अमावस्या, तिथि कब से कब तक है और श्राद्ध पिंडदान इत्यादि करने का शुभ समय क्या होना चाहिए, जिससे कि उस समय में किया गया जो भी हमारा कर्मकांड है उसका हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो 2024 में दोस्तों 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 अक्टूबर की रात्रि में 9:39 पर और यह समाप्त होगी 3 अक्टूबर रात्रि 12:19 पर। तो इस तरह से अमावस्या तिथि है और इस दिन जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब जो सही समय है हमारे पिंडदान और श्राद्ध करने का, वो समय है कुतुब मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 तक और रोहिण मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:34 से दोपहर 1:21 तक। तो ये जो समय है, इस समय में यदि हम पिंडदान और श्राद्ध इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि का कार्य करते हैं, इससे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो तृप्त होते हैं। तो देखिए, सर्व पितृ अमावस्या पर मान लीजिए कि आपने अपने पूर्वज की तिथि पर श्राद्ध कर लिया है, पिंडदान कर दिया है, सब कुछ आपने कर लिया है, लेकिन तब भी आपको सर्व पितृ अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए और दीप दान करना तो हमें बिल्कुल ही नहीं भूलना है, जो कि हमें संध्या के समय करना होता है। और मान लीजिए कि कोई भाई बहन ऐसे हैं जो अपने पितृ की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, या फिर कोई ऐसे हैं जिनको अपने पितरों पूर्वजों की तिथि नहीं मालूम है, वो लोग भी सर्व पितृ अमावस्या पर संपूर्ण कार्य करके अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगी कि पूरे पितृपक्ष में यदि आपने संपूर्ण नियम का पालन किया है, सब कुछ आपने किया है, तब भी आपको सर्व पितृ अमावस्या पर जो जो कार्य मैं बता रही हूँ वह आप अवश्य ही कर लें। तो सबसे पहले सुबह का समय जो होता है वो तर्पण का समय होता है। जो समय मैंने दोपहर का बताया, ये पिंडदान और श्राद्ध के लिए उत्तम समय होता है, लेकिन तर्पण हम सुबह करते हैं। तो तर्पण हमें 15 दिन अर्थात पूरे 16 दिन तक करना चाहिए। भले बीच में आपके पूर्वज की तिथि पड़ गई, आपने पिंडदान कर लिया, श्राद्ध कर दिया, सब कुछ, लेकिन तर्पण का जो कार्य है ये पूरे 15 दिन तक हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पितर हैं वो धरती लोक पर ही रहते हैं, अमावस्या अर्थात सर्व पितृ अमावस्या को ही वो यहाँ से गमन करते हैं। तो हमें तर्पण का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, दीप दान का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सभी लोगों के लिए है, जिसने श्राद्ध कर लिया है उसके लिए भी और जिसने नहीं किया है उसके लिए भी। तो आप लोग तर्पण कर लीजिएगा बिल्कुल विधि विधान से, कुशा, काला तिल, सफेद पुष्प डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कीजिएगा। तर्पण की सभी विधि मैंने लॉन्ग वीडियो में भी बताई है, शॉर्ट में भी बताई है। अब दूसरा कार्य, इस दिन पीपल में जल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप पूरे पितृपक्ष में पीपल पूजा नहीं कर पाए हैं तो सर्व पितृ अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त जल में कच्चा दूध डालकर, थोड़ा सा काला तिल, मिष्ठान, सफेद पुष्प डालकर और ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप पीपल में जल दीजिएगा। सर्व पितृ अमावस्या पर आपको पीपल में सफेद सूत भी जरूर बांधना चाहिए और पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। ये आप अपने पितरों के निमित्त जरूर कीजिएगा और पीपल वृक्ष के पास सुबह भी और संध्या के समय एक दीपक जरूर जलाइएगा। ये सभी कार्य आपके पितरों को प्रसन्न करेंगे और उनका संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरा कार्य, जो मैंने कुतुब बेला का समय बताया, जो मैंने मुहूर्त बताया, उसी समय के बीच में आपको अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना है। अब पिंडदान का कार्य वही लोग करेंगे जिन्हें अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम थी, उन्होंने श्राद्ध नहीं किया है, पिंडदान नहीं किया है, या फिर तिथि मालूम थी लेकिन किसी कारणवश कोई ऐसी बाधा पड़ गई वो नहीं कर पाए, वो लोग पिंडदान करेंगे। क्योंकि पिंडदान हमें एक ही बार करना होता है पूरे पितृपक्ष में, या फिर अंतिम पिंडदान हम गया जी में करते हैं। तो पिंडदान का कार्य यदि आपने नहीं किया है तो सर्व पितृ अमावस्या पर अवश्य कीजिएगा, भले ही आपके पितरों की तिथि कोई भी हो।
और जो भी लोग पिंडदान कर चुके हैं वो केवल श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दीपदान ये सारे कार्य करेंगे। तो इस बेला में, इस मुहूर्त में आप पिंडदान करें और ब्राह्मण भोजन कराएं। श्राद्ध का जो भोजन है बिल्कुल शुद्ध, सात्विक, साफ रसोई में स्वच्छ होकर बनाएं। ब्राह्मण भोजन से पहले वह भोजन आप किसी अन्य को न दें। यदि किसी अन्य को भोजन देना जरूरी है तो आप अलग से उनके लिए थोड़ा सा कुछ बनाएं, मैंने पहले भी बताया है। और श्राद्ध के भोजन में से आपको पहले किसी को भोजन नहीं कराना होता है। भोजन तैयार करें, तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं, उसके बाद पंचबलि भोग निकालें। ब्राह्मण को एक दिन पहले ही निमंत्रण दे देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमें ब्राह्मण भोज कराना होता है उसके एक दिन पहले ही ब्राह्मण को हमें निमंत्रण देना चाहिए। ब्राह्मण आपके द्वार पर आए, उनका स्वागत करें, उनके चरण धुलवाएं, प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें, साफ स्वच्छ आसन दें, बिठाएं और भोजन कराएं। श्राद्ध के भोजन में मुख्य रूप से खीर और पूड़ी, ये दो चीज बहुत ही आवश्यक होती है। उड़द के बड़े, पकौड़े, कढ़ी, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं और जरूर बनाना चाहिए। चावल, दाल, रोटी, सब्जी हमें श्राद्ध के भोजन में नहीं बनाना चाहिए। सब्जी तो हम बनाते हैं, लेकिन कच्चे भोजन के साथ, जो चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कहने का मतलब ये जो कच्चा भोजन होता है ये नहीं बनाना चाहिए। सब्जी तो हमें बनानी चाहिए, जिसमें कि सफेद कद्दू की सब्जी हमें नहीं बनानी चाहिए, गोल वाले लौकी की सब्जी हमें नहीं बनानी चाहिए, बैगन की सब्जी नहीं बनानी चाहिए, मूली गाजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें मना की गई हैं। लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी हमें श्राद्ध के भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पंचबलि भोग निकालने के बाद आपको अग्यारी कर लेनी चाहिए सबसे पहले, अर्थात आहुति के माध्यम से अपने पितरों को भोजन समर्पित करें। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र की आहुति दी जाती है पितृपक्ष में। अग्यारी के बाद आप ब्राह्मण भोजन कराएं, चाहे एक कराएं चाहे दस कराएं, ये आपकी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। उसके बाद आपको दान करना चाहिए। दान में आप अन्नदान, मतलब ब्राह्मण भोजन कराने के बाद आप ये ना सोचे कि अब हमें सूखा अनाज दान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करें। इसमें जितना ही आप दान करेंगे उसका कई गुना होकर आपको वापस मिलने वाला है। तो आप दान करने में बिल्कुल पीछे ना हटे, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो आप दान करें। सर्वपित्र अमावस्या पर आप जब ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो उन ब्राह्मण को आप सफेद वस्त्रों का दान करें, ये बहुत ही उत्तम होता है। दक्षिणा जरूर दें और अपने यथाशक्ति आप ब्राह्मण को जूते, चप्पल, छाता, मतलब जो भी ब्राह्मण की वो सामग्री होती है वो चीज आप दान कर सकते हैं। भगवत गीता का दान कर सकते हैं, मतलब गीता की पुस्तक जो होती है उसका दान कर सकते हैं। दक्षिणा जरूर दें, चरण स्पर्श करें, अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे और ये मन में भाव रखें कि साक्षात आपके पितृ, आपके पूर्वज आपके घर में पधारे हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो इस तरह से जब भाव रखकर आप कोई कार्य करेंगे तो ये सीधा आपकी जो भावना है, आपका जो प्रेम है, ये पितरों तक पहुंचेगा। अब बताती हूँ दूसरा कार्य पूरे पितृपक्ष में। मैंने पहले भी बताया है कि भगवत गीता के सातवें अध्याय का पाठ करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। एकादशी पर जरूर करना चाहिए, यदि आपने एकादशी पर भी आप नहीं कर पाए, सर्वपित्र अमावस्या पर आप गीता के सातवें अध्याय का पाठ अवश्य करें। ये करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात आती है दीपदान की। तो दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना चाहिए, संध्या के समय, मतलब सूर्यास्त न होने पाए, सूर्यास्त होने वाला हो लेकिन होने ना पाए, इससे पहले ही हमें दीपदान करना चाहिए। अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ लौ करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनके राह में हम लोग प्रकाश लाने के लिए, उजाला करने के लिए दीपक जलाते हैं। ये दीपक तो पूरे 15 दिन तक जलाना चाहिए, मैंने बार बार बताया है। तो सर्वपित्र अमावस्या पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आपको जलाना है। तुलसी वृक्ष के समीप जलाना है, अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी के समीप तो हमें प्रतिदिन जलाना ही होता है, तो वहां आप जलाइएगा। पीपल वृक्ष के समीप अपने पितरों का ध्यान करते हुए जलाइएगा। कोई नदी, तट, सरोवर यदि आपके घर के आसपास है, नजदीक है, तो आप जरूर जलाइएगा। किसी मंदिर में, चाहे वो कृष्ण भगवान जी का मंदिर हो, विष्णु भगवान जी का मंदिर हो, भगवान शिव जी का मंदिर हो, माता जी का मंदिर हो, एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। और अपने घर के मुख्य द्वार पर तो हमें दीपक जलाना ही जलाना है, जो कि हम प्रतिदिन जलाते हैं, लेकिन पितृ पक्ष में जो दीपक जलाते हैं ये समझिए हम अपने पितरों के निमित्त दीपक जला रहे हैं। तो ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, अमावस्या पर अग्यारी करना, पंचबलि भोग निकालना, ब्राह्मण भोजन कराना, यदि पिंडदान आपने नहीं किया है तो पिंडदान करना, तर्पण करना, पीपल पूजा, तुलसी पूजा, दीपदान, ये सारे कार्य आपको आपके पितरों को मुक्ति दिलाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। और ये सारे कार्य आप बिल्कुल भाव से कीजिएगा, श्रद्धा से कीजिएगा, अपने पितरों का स्मरण करते हुए कीजिएगा और अपनी त्रुटियों की माफी उनसे बार बार मांगिएगा। हर बार उनसे बोलिएगा कि हे पितृ देवता, आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपके संतान हैं, हमसे जो भी त्रुटि और गलती हो गई हो क्षमा करके हमें आशीर्वाद दीजिए।
ऐसा बिल्कुल ना होने पाए कि इस लोक से जब पितृलोक में जाएं, हमारे पितृ गमन करें, तो किसी भी प्रकार से वो असंतुष्ट होकर जाएं, आपके किसी भी कृत्य से वो दुखी होकर जाएं, ऐसा बिल्कुल ना होने पाए। ऐसा कीजिएगा कि प्रसन्न होकर जाएं, आशीर्वाद देकर जाएं, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आए, बीमारियां दूर जाएं, जितनी भी बाधाएं समस्याएं हैं, तनाव क्लेश है, कलह है, वो सब कुछ दूर हो, ऐसा कुछ कीजिएगा। तो ये सारे कार्य करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और फिर मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी कीजिएगा, थोड़ा ही कीजिएगा, कम कीजिएगा, लेकिन भाव से कीजिएगा। और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।